हम चले हैं पढ़ने के लिए, जिसका नाम है नरनष्ट समीकरण। ठीक है, आइए। आपके किताब में भी दिया गया है, बहुत ध्यान से इसको सीखेंगे हम लोग। आज का प्यारा टॉपिक जिसका नाम है नरनाश समीकरण, आप कैसे सीख करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग आराम से। आज हम लोग पढ़ेंगे नरनष्ट समीकरण के बारे में। कल हम लोग पढ़े थे बहुत सारे चीज़ें, वैद्युत रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज नरनष्ट समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका न्यूमेरिकल भी हम लोग पढ़ेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। एकदम ब्लैकबोर्ड पर देखो, आज एकदम दिल खोल के पढ़ना है। आज एक प्यारा सा टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है नरनष्ट समीकरण। अच्छा ही बताओ, चला जाओ, आप ये जानते हैं ना, ए बी है, ये समीकरण है, सी और डी है, सबको याद है। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, सब लोग याद होगा। और इसको हम लोग कहते हैं उत्पाद। शुरुआत कर दिया हम लोग, भाई ए प्लस बी है तो ए प्लस बी को क्या कहते हैं, अभिकारक। और सी प्लस डी को क्या कहते हैं, उत्पाद। ये अभिकारक और ये क्या है, उत्पाद है। ठीक है, सुनो, तनको ध्यान, इधर तो भटकेगा तो गड़बड़ हो जाए। अब एक बात बताओ तुम लोग, जब 11 में होंगे ना तो हम लोग, अच्छा यहाँ से क्यू का मान निकाल सकते हैं आप। क्यू का मान के बराबर होगा सी, यहाँ पर लिखेंगे डी, यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पर लिखेंगे बी। क्यू को हम लोग साम स्थिरांक कहते हैं, यानी साम स्थिरांक बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता बटा में अभिकारक की सांद्रता। देख रहे हैं ना, सी डी और बटा में आपका हो जाएगा ए बी, ये क्यू बराबर आपका कहाँ आ जाएगा, समीकरण। ठीक है, चलिए नमस्ते, यहीं बैठ जाओ, जल्दी आओ। चलो, तो क्यू बराबर आ गया सी डी और ए और कहाँ आ जाएगा बी। एक और आप सूत्र पढ़े थे, डेल्टा जी बराबर, याद करिएगा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नाट प्लस आर टी यल यन क्यू। यह भी एक सूत्र आप पढ़े थे, समझे सब लोग, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नाट आर टी यल यन क्यू। कौन कहा है देखिए जरा, जहाँ डेल्टा जी होता है उसको हम लोग गिब्स ऊर्जा कहते हैं, गिब्स ऊर्जा। डेल्टा जी नाट जहाँ पर है उसको हम लोग मानक गिब्स ऊर्जा कहते हैं, जहाँ आर है इसको हम लोग गैस नियतांक कहते हैं आर को, और जहाँ टी, हालांकि इसका मान आप रखेंगे 0.0821, और जो टी है वो ताप है, आप इसका मान रखेंगे कितना, 298 केल्विन आपका होगा। डेल्टा जी बराबर, ए यार जल्दी बैठो यार, क्या कर रहे हो। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नाट आर टी यल यन क्यू आपका रहा। कौन कहा है देखिए, जहाँ डेल्टा जी रहेगा उसको गिब्स ऊर्जा कहते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर गिब्स ऊर्जा। जहाँ डेल्टा जी नाट रहेगा, पाई नाट है तो मानक गिब्स ऊर्जा हो जाएगा, आर आपका गैस नियतांक हो जाएगा, आर का मान 0.0821 हो जाएगा, टी आपका ताप है जिसका मान 298 केल्विन हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आपका क्या होगा, एक और बात बता रहे हैं, डेल्टा जी बराबर होता है माइनस यन एफ ई सेल। डेल्टा जी बराबर यन एफ माइनस यन एफ ई सेल होता है। आपके मोबाइल पे गया था सब, भले वो नहीं पढ़े होंगे बेचारा, वह तरस रहा होगा कि कोई पढ़ने वाला मिलता है। डेल्टा जी नाट बराबर माइनस यन एफ, अरे ये सेम टू सेम होता है ई सेल,
लेकिन यहाँ पर नाट आपका लिख देंगे। देखो ये सब चीज़ें आपका 11 क्लास में हम लोग कवर किए हैं, हम लोग पढ़े हैं, बारे में भी आपको बता रहे हैं कि ये सूत्र होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नाट आर टी एल एन क्यू। आ जहाँ डेल्टा जी है आप इसके जगह पर माइनस यन एफ ई से ले लिख सकते हैं। यन आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एफ आपका फैराडे नियतांक है जिसका मान आप लोग को याद होगा 96,500 कूलाम होता है। याद करना आवेश का सबसे बड़ा मात्रा यही होता है फैराडे। ई सेल तो जानते हैं बल्कि सेल विभव कहा जला के आई डेल्टा जी नाट के मानक गिब्स ऊर्जा। भाई नाट जब लिख दोगे ना तो मानक गिब्स ऊर्जा हो जाएगा। आयन क्या होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एफ का होगा फैराडे नियतांक और ई नाट सेल जो है इसको कहेंगे मानक सेल विभव। क्या कहेंगे इसको मानक सेल विभव। ये सेल विभव आपके पास रहा। अब क्या करना है मालूम है डेल्टा जी और डेल्टा जी नाट का मान समीकरण नंबर इसको एक मान लो, एक में रख दो। किस में रख दो? एक में। एकदम ध्यान से समझते रहना क्या करना। देखो डेल्टा जी और डेल्टा जी नाट का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर चलिएगा बहुत अच्छा लगेगा आपको देखना। तो डेल्टा जी जहाँ पर है वहाँ पर आप रखेंगे का माइनस यन एफ ई सेल। देखिएगा यही निर्णय समीकरण सिद्ध हो रहा है माइनस यन एफ ई सेल। किसके जगह पर आप रख दिए भाई डेल्टा जी के जगह पर यहाँ पर, और डेल्टा जी नाट के जगह पर ये वाला रखेंगे माइनस यन एफ ई नाट सेल और प्लस जेंग आई बान आर टी एल एन क्यू वे रखा जी आर टी एल एन क्यू। ठीक है अब आप क्या करिएगा दोनों पक्षों में माइनस यन एफ से भाग देने पर, दोनों पक्षों में अच्छा क्यों इसे भाग दे रहे हैं इसके पीछे रीजन है यहाँ भी यन एफ है यहाँ भी यन एफ है इसलिए दोनों पक्षों में माइनस यन एफ से भाग देने पर। तो ये बताओ जब भाग दोगे तो माइनस यन एफ ई सेल बटा में माइनस यन एफ और इधर से लिखते हैं तेने ब्लैक से लिखते हैं चलो माइनस यन एफ ई सेल बटा में माइनस यन एफ बराबर माइनस यन एफ ई नाट सेल बटा में माइनस यन एफ प्लस आर टी यल यन क्यू बटा में माइनस यन एफ। देखो समझे हमने क्या किया डेल्टा जी और डेल्टा जी नाट का मान हमने रख दिया। तो रखने के बाद देखो हमारे पास ये आया माइनस यन एफ ई सेल आ चुका है। अब आप माइनस यन एफ से भाग देंगे कहाँ दे रहे हैं दोनों में बराबर के पहले भी माइनस यन एफ है बराबर के बाद भी आपके यन एफ भाग देंगे तो माइनस यन एफ यहाँ भी यहाँ भी माइनस यन एफ यहाँ भी माइनस यन एफ। अब आपका माइनस यन एफ से यन एफ कैंसिल हो जाएगा। खूब ध्यान से समझिएगा देखो माइनस यन एफ से माइनस यन एफ कैंसिल माइनस यन एफ से यन एफ कैंसिल। आपके पास क्या बच गया ई सेल और क्या बच गया ई नाट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू बटा में आई माइनस आ इधर आई माइनस से प्लस गुणा करते यहाँ पर माइनस आ जाए क्या बच गया हमारे पास बचा ई सेल बराबर ई नाट सेल आ माइनस माइनस प्लस माइनस होगा हाई तो माइनस मान कट गया हट गया है दोनों आ हाई आपका हो जाएगा आर टी बटा में यन एफ और यहाँ पर यल एन क्यू हो जाएगा। अच्छा आप अच्छी तरीके जानते होंगे कि ई सेल जगह वहीं लिखाई ई नाट सेल वहीं लिखाएगा माइनस जहाँ आर टी है ना आर आपका गैस नियतांक है देखो उसका मान 0.0821 रख दो या 3-1 जो भी रख दो गुण है टी का मान कितना रखोगे 298 केल्विन और बटा में 98 यन का मान वहीं फैराडे के मान 96,500। अच्छा एक और चीज़ बता देते नहीं देखिए कि जहाँ यल यन बानो तहाँ लाग अगर 10 लिखते हैं तो 2.303 लाग 10 क्यू आपका आ जाएगा कहा गया क्यू आ गया। अब ई सेल बराबर ई नाट सेल
माइनस, जब भाई पूरा का हल करोगे ना, पूरा अंक का हल करोगे तो 0.0591। भाई नरनष्ट, जब नरनष्ट आई तो 9 जरूर याद रखना है, ठीक है, जब नरनष्ट आई तो मैं 9 जरूर लिखे के बा, तो 0.0591 बटा में यन हई जनबा लागते नहीं है रही, हमनी के पी बटा आर लिख सके नहीं जाइए, तनी अच्छा से लिख दी, पी बटा क्या लिख सकते हैं आर, माने ऊपरा हो जाई प्रोडक्ट की सांद्रता और नीचे हो जाएगा रिएक्टेंट की सांद्रता। इस प्रकार आपने क्या कर लिया, ये नए नए समीकरण का आपने हल कर लिया, क्या कर लिया, हल कर लिया। एक बार और आपको एक चीज़ बताते, देखो कोई आपसे पूछे कि सर आप नरनष्ट समीकरण सिद्ध कीजिए, अच्छी बात है, कोई पूछ सकता है, अच्छी बात है भाई, हमारे पास पावर, हम बताएंगे। सबसे पहले ना एक रिएक्शन लिख लेना, ए प्लस बी ये अभिकारक हो जाएगा, रिएक्टेंट अंग्रेजी में कहते हैं, इसलिए आर से कर प्रदर्शित करते हैं। एगो प्रोडक्ट दिखा देना उत्पाद सी और डी, इसलिए इसको पी से प्रदर्शित करते हैं, हमने इसको दिखा दिया। हाई क्यू, जब आप 11 में पढ़ रहे थे, सब लोग पढ़ रहे थे, तब पढ़ाया गया होगा साम स्थिरांक इसको कहते हैं, याद है, उत्पाद की सांद्रता बटा में अभिकारक की सांद्रता, तो उत्पाद आइए तो ऊपरा सी तब डी तब ए तब बी, आ तब आपके ये भाई बड़ा फेमस सूत्र डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, हमने की वो फेमस सूत्र जाते हैं डेल्टा जी बराबर माइनस सी एन एफ ई सेल होता है, और डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस सी एन एफ ई नॉट सेल होता है। अब डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का मान समीकरण नंबर एक में एक मान आज बा, तो जहाँ डेल्टा जी बा तो हाई मान रखा जाएगा, का माइनस सी एन एफ ई सेल, डेल्टा जी नॉट बा तो हाई रखा जाएगा, माइनस सी एन एफ ई नॉट सेल और आर टी एल एन क्यू होंगे, और दोनों पक्षों में आप माइनस सी एन एफ से भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में जितना है भाई, यहाँ पर आया है तो माइनस सी एन एफ से भाग, ये है तो माइनस सी एन एफ से भाग, ये है तो माइनस सी एन एफ से भाग, हाई तो कट गया, कट गया, ये बच गया, और ये बच गया, इसको लिख दिया। अब आराम से समझिएगा, जहाँ आर होता है 0.0821 होता है, जहाँ टी होता है 298 केल्विन, आपने पढ़ा भी है भाई, मानक की बात हो रही है, हम कैसे समझें कि यहाँ पर मानक मान ही भरना है, सोच के बताएंगे आप लोग, मैंने कहा है मानक भर रहे हैं, का रीजन है बताएंगे आप लोग, सुनीता बा है दबा तरखिया के निंदिया बिंदिया चूरा ले ले बा नाठ है टिकुलिया है, एगो टिकली पर तीन जानी के रख ला बानी के ई सेल और ई नाट सेल और यानी के तीन जानी के, तो ई सेल बराबर ई नाट सेल आई माइनस आर के मान इतना टी के मान 298 आई एल यन जहाँ क्यू बानू तहाँ बा 2.303 रखाए नू तो लाग 10 आ जाई, आ क्यू जगह बा वहीं रही यन वहीं रही यब के जब 96,500 पूरा हल कर जाते हैं इतना आ जाए, तो हाइए नरना समीकरण आपके है, समझे सुनीता बा लगा लेबे, चलते लिख लो तुम लोग केवल नूमेरिकल की, केवल नूमेरिकल की। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग कि यदि मैं कहूँ, तो सुनो ध्यान से, यदि मैं कहूँ कि कोई क्वेश्चन आपके इस टाइप के दे दिया, जिंक फिर जिंक ओवर 2+ तथा या डबल दे दिया, और सी यू के ऊपर 2+ और सी यू को समीकरण रूप में लिखिए, समीकरण रूप में लिखिए, तनिक सब लोग ब्लैक बोर्ड पर देखिए आज सीख जाइए, आज हाँ ये क्वेश्चन दिला बाबा, वो दिया है कि जिंक है एक रेखा खींचा है जिंक के ऊपर 2+, एकदम आज सीख जाना, एकदम कापर के 2+ कापर को समीकरण रूप में लिखना आपको है, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, तो देखिए इसको देखो कैसे लिखेंगे, बोले समझो समीकरण रूप में लिखेंगे ना, एकदम है बाबू ए देखना यार, पहले जिंक लिखो आई जा जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया भाई, यही तो दिखाया है ना, आज जब 2 निकलेगा तो 2e⁻¹ समीकरण नंबर एक मान, विस्तार से हाई कापर के ऊपर 2 है तो कापर के 2 के मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, क्या किया है, ग्रहण किया है, ठीक, तो यहाँ पर केवल कापर हो जाएगा समीकरण नंबर 2 मान, आ जब इसको जोड़ेगा ना समीकरण 1+ समीकरण 2, तो सुनो तो अगर जो बायां पक्ष में है तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, कट जाएगा क्योंकि इधर अगर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या बच गया, जिंक 0+ कापर के ऊपर 2+ आई जिंक के ऊपर 2+ कापर,
अब इस रिएक्शन को देख करके बताओ कि अगर मैं कहूँ कि बताओ इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका एफ चेन, आई जिंक से जिंक प्लस टू हो रहा है, ऑक्सीकरण हुआ है ना। अरे भाई जब अकेले हुआ तो जीरो, अकेले तो का है जीरो भाई, अकेले है तो जीरो, और यहाँ पर कितना हो गया दो, तो जीरो से दो बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाए। आई देखो भाई कापर बा दो है ना, कापर बा जीरो, तो दो से जीरो घटता है तो क्या हो जाएगा, अपचयन, क्या हो जाएगा, अपचयन। अगर कोई पूछा था कि तनि इसका सेल विभव बताइएगा तो सुनिएगा, ई सेल बराबर ई कापर के ऊपर, कापर के ऊपर दो प्लस कापर और माइनस ई जिंक, अभी जिंक के ऊपर दो प्लस। कुछ याद आ रहा आप लोग को, कुछ याद आ रहा है कल पढ़े थे कि सर जब भी आप सेल विभव निकालते हैं तो आप चयन में से ऑक्सीकरण घटा देते हैं, आप चयन में से ऑक्सीकरण, किसमें ऑक्सीकरण हुआ, जिंक में, क्योंकि कब रिएक्शन में हैंगा दिखाई दे दे, हैंगा दिखाई, मैं जिंक दे दिया, जिंक के ऊपर दो प्लस दे दिया, तो जिंक के ऊपर कुछ भी चीन एक मतलब दो बा जीरो बा है ना, जीरो बा है ना, क्या बा दो बा, तो ऑक्सीकरण हुआ है ना, दो बा है ना जीरो बा, तो क्या हुआ, अब चयन हुआ, तो अब चयन वाला पहले लिखते हैं, ऑक्सीकरण वाला क्या लिखते हैं बाद में लिखते हैं, बात समझ में आई। अच्छा चलो मान लो इसको नोट करोगे, हाँ थोड़ा सा नोट कर लो, तो जल्दी से नोट करो यार, इतना टाइम लगाओगे तो, लेकिन मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा है देखो, मानक ताप और दाब पर ई एम, ई एम का पूरा नाम जानते हो, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत वाहक बल इसको कहते हैं हिंदी में, का मान बताइए, और जेड एन और यहाँ पर सिंबल दिया एक रेखा, जेड एन के ऊपर टू प्लस तथा कापर के ऊपर टू प्लस कापर का मान माइनस 0.76 वोल्ट तथा 0.34 वोल्ट है। अच्छा अभी बताओ तुम लोग, ई एम एफ का मतलब है कि ई सेल का मान पूछा था, खाली ई एम एफ के एक शॉर्टकट ये फैला कर दिया, ई एम एफ केवल ई सेल का मान आपको निकालना है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर मैं इसको हल करूँ, समझना पहले, हल करूँ, लिखना कोई किसी का नहीं है, तो क्या लिखेंगे, जेड एन से जेड एन टू प्लस डलवा आ सी यू से सी यू टू प्लस से सी यू दिया, बताओ किसमें ऑक्सीकरण हुआ, किसमें अपचयन, इसमें हुआ है ना ऑक्सीकरण, अरे आप तो समझ लो यार, ये जीरो था, जीरो से दो बढ़ रहा है, जीरो से दो बढ़ रहा है, जीरो से दो जब बढ़ रहा है तो इसका हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण। ओके अच्छा हाई दो से जीरो हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपचयन, कुछ नहीं है अपचयन। और आपको अच्छी तरीके से याद है कि जब ई सेल निकालते हैं तो कल कितने सूत्र आप नहीं पढ़े थे, ई अपचयन माइनस ई ऑक्सीकरण, ई नाट लगा दो सब, ऑक्सीकरण मानक ताप दाब पर कहता था, और ई अपचयन का मान भाई कापर बाद में दिया है तो बाद वाला मान ई अपचयन होगा ना, तो आपका होगा 0.34 माइनस ये जिंक हो रहा है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जिंक का, तो जिंक वाला मान कितना दिलावा माइनस 0.76 तो 0.34 हमारे समय प्लस 0.76 जोड़ो 6 4 10 के 0 7 3 10 के 11 तो 1.10 इतना वोल्ट हमारा कहा जाएगा आंसर। अब आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं, बोलो आया समझ में कि बताएं। अरे मैं क्या करें, एक बार देखो जब आदिकाल का सूत्र पढ़े थे ना फेमस रूप से, वाह ये वाला कला पढ़े थे याद होगा सबको, अरे जहाँ ई अपचयन है ना, अपचयन कापर में हो रहा है, तक अब चाहते हो तो कापर के ऊपर टू प्लस कापर लिख सकते हैं, इसको जिंक और जिंक टू प्लस, तक कापर वाला मनवा जान दिलवा है दबा, सेकेंड वाला कापर वाला मनवा है दबा, वो रखा गया भेजा, आ फर्स्ट में जिंक है तो जिंक का मान है देवा, तो इसको रख दिए हल्के तो आपका इतना आंसर आ गया। ठीक नोट कर लीजिए और आप खुद अब लगाएंगे, मैं नहीं बताऊँगा, आइए तैसे को तुम लोग ना लग पाओ ना, इतना आसान क्वेश्चन, देखो कुछ नहीं है इसमें, ये बताओ ई सेल आपको निकालना, चलो ई सेल लिखो सब लोग, उल्टा लिखने हम लिखिए नहीं पाते हैं ई सेल, चलो भाई बोलो इसमें पहले अपचयन लिखा जाता है ना, तब ऑक्सीकरण लिखा जाता है, अपचयन किस में हुआ है, अपचयन ये चांदी में हुआ है, अपचयन चांदी में, क्योंकि भाई इसका घट रहा है और तो चांदी का मान दिया गया, चलो डबल बना लो ये वाला 0.80, फिर माइनस करो, आ भाई कैडमियम के देख लो माइनस 0.40,
भाई माइनस है तो माइनस लगा के लिखो ना, क्या दिक्कत है। अब 0.80 भाई माइनस माइनस का आ गया प्लस 0.40, तो जोड़ो 0.00 8.4.12 और 2 अंक बाद दशमलव इतना वोल्ट। वोल्ट आप लोग लिखे हैं कहाँ लिखे हैं वोल्ट? आप अंग्रेजी में लिखे, हिंदी में क्यों लिखे हैं? तो इस तरीके से आपका हल हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आसान हो गया है। देखो इसमें क्या हुआ है, बाद में आ रहा है ना एक्सीकरण हो रहा है, कहा है कि 0 से बढ़ रहा है, आई घट रहा है, तो अब चयन तेईस सेल बराबर इन आठ ए जी के ऊपर प्लस अपान ए जी माइनस आए इन आठ। तो उधर बैठ जाओ ना, ऐसे जो बैठे हो तुम दिखाई नहीं देगा, तो मुड़ी से मतलब थोड़ा मुड़िया काट के ना बिगड़ जाए। चलिए तो पहले ए जी लिख लो, तब निकी लाला लिख लो। चलो तो इसका मान दे दिया 0.80 माइनस 0.25, ठीक है। लेकिन एक और ही बात बताओ, तनी बताएं 5 और 10 के 0। बात ये मानो कि सवाल में अगर मान ली नहीं दिल है, मान ला नहीं दिल है, खाली ई जो भी माने दे दिल भाई माने 0.25 आ 0.180, तो ई बताओ कि मैं मान ली कि हई ऐसे कुछ नहीं दिल है आ खाली ई बराबर इतना दे दिलस ई बराबर इतना ना आके पूछलस कि बताना है किस में आक्सीकरण हुआ किस में अपचयन, तो क्या कहोगे? ये बात सुनो, मान लो कोई आपसे पूछे कि सवाल ई नाट बराबर ये दे दिया, ई नाट बराबर ये दे दिया, ऐसा कोई पूछ दिया कि किस में आक्सीकरण हुआ किस में अपचयन, तो क्या उत्तर दोगे, क्या इसका रीजन है? लड़के बताओ पहले। हाँ जी, क्या बड़ा होगा माने कौन आक्सीकरण होगा इसमें, हम कह रहे हैं माने पहला है कि दूसरा, पहले ये बताओ आक्सीकरण में से कौन होगा? हाँ जी, चलिए गलत है, पहला होगा। अब सुनिए हम बताते क्यों। कल जब मैं पढ़ा रहा था तो एक बात आपसे कहा गया होगा कि आक्सीकरण की, सुनो एक मिनट आप मत पीछे बोलो, आक्सीकरण की क्रियाशीलता अधिक होती है, ऑक्सीकरण की क्रियाशीलता कल कहे तो नहीं अधिक होती है, यह तेज़ी से क्रिया करता है, यह प्रबल होता है, और अपचयन की क्रियाशीलता कम होती है। और आप पढ़ करके आ रहे हैं बाबू कि जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होता है उतना ही प्रबल माने प्रबलता उसकी होती है, उतना वो मजबूत होता है, उतना ही तेज़ी से क्रिया करता है, तो ये कम है क्योंकि माइनस में है भाई। जब ये माइनस में तो इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, अधिक होगी, होगी कि नहीं होगी? अरे माइनस में है तो इसकी क्रियाशीलता अधिक होगी। आप तो दिखा इस टाइप के 10 क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं, तो इसमें होगा ऑक्सीकरण, इसमें होगा अपचयन। आप समझ में आई ना? हाँ चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। अब आपका जो क्वेश्चन आएगा बाबू, अब जो क्वेश्चन आएगा वह निर्नष्ट समीकरण से आपको सिद्ध करना है, किससे? निर्नष्ट समीकरण से आपको हल करना है। आइए चलिए, पहला आपका क्वेश्चन है, ठीक है, चले हल करें इसको। लिखो क्वेश्चन, 298 केल्विन, 298 केल्विन पर निम्न सेल का EMF ज्ञात कीजिए, EMF ज्ञात कीजिए। तो समझो ये सब लोग समझो, क्या कहा कि 298 केल्विन पर निम्न सेल का EMF ज्ञात कीजिए। अजानते क्या दे दिया है, यहाँ पे लिख दिया है n i के ऊपर 2 प्लस आ 0.01 m, ठीक है m, आ डबल रखा है ए जी के ऊपर प्लस और इसका मान दे दिया 0.01 और यहाँ पर लिखा है ए जी, और फिर से
और लिख दिया इसमें, अभी आप देख भी रहे थे, ई नाट एन आई अपान एन आई के ऊपर 2+ का मान -0.25 और ई नाट और ए जी के ऊपर प्लस बटा में ए जी, इसका मान दे दिया आपका 0.80 वोल्ट। ठीक है, देखो आप इसको हल करेंगे तो जब भी आप हल करेंगे ना, तो हल करने के लिए पहले इसका समीकरण लिखिएगा आप। इसको हल करने का लिखेंगे आप, समीकरण लिखेंगे। तो देखिए समीकरण कैसे आपका बनेगा। देखो अब ये जो निर्णय समीकरण का यूज करके आप हल करेंगे, 298 केल्विन पर निम्न सेल का EMF ज्ञात करना है, इसका मान दे दिया यानी एन आई बटा एन आई टू इतना दे दिया, ए जी टू या ए जी के ऊपर प्लस बटा में ए जी लिखते इतना दे दिया, और ये भी मान आपके पास मौजूद है और सब आपका क्या करा पूछ रहा है, ई नाट वाला है और ये वो वाला मान है जो आप उसमें रखेंगे। ठीक है, तो पहले सुने इसका रिएक्शन लिखेंगे हम लोग। आप रिएक्शन लिखेंगे तो एन आई लिखिए, इधर आप एन आई के ऊपर 2+ कर दीजिए, लिखेंगे ना ऐसे, भाई एन आई है और उधर एन आई के ऊपर 2+, इधर का आपके पास है ए जी, सुनिए अब ए जी है, इधर का लिखेंगे केवल ए जी लिखेंगे, इधर ए जी के ऊपर प्लस लिखेंगे। समीकरण आपका सही नहीं है, संतुलित नहीं है बाबू। संतुलित इसलिए नहीं है कि आपके देखिए इधर एन आई के ऊपर 2+ है ना, 2+, तो इधर भी तो 2+ होना चाहिए ना, तो आप इसमें 2 से गुणा कर दीजिएगा तो 2+ ही तो सही हो गई, लेकिन 2 सिल्वर हो गई तो इधर भी 2 से गुणा करेंगे 2 का आ जाएगा सिल्वर। आपको जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको बताया गया होगा कि जब भी कोई तत्व हो और उसके ऊपर कोई चिन्ह नहीं हो तो वह अपनी स्वतंत्र अवस्था में होता है, तो उसकी सांद्रता हमेशा 1 मानते हैं, इसकी सांद्रता 1 से अधिक होता है, मैंने वो मान दिया रहता है। तो देखो ना, ए जी के ऊपर प्लस का मान दिया है क्या 0.1, आ हे जाए ना आई के ऊपर 2+ का मान दिया है 0.01। ठीक, पहले हम एक चीज़ बताओ तनी, हेजा पहले बताओ तनी, आप किसका यूज करेंगे निर्णय समीकरण का ना, तो होता क्या है ई सेल का मान आपको निकालना है, तो हम यूज करेंगे ई नाट सेल माइनस 0.0591 बटा में एन लाग 10 P/R, ये यूज करना है ई सेल का मान निकालने के लिए। एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको कि आपको ई नाट सेल नहीं मालूम है, मालूम है क्या नहीं मालूम है, ई नाट सेल है ही सनी के लिए देख लीजिएगा, वही खातिर दिला हुआ, यही खातिर मान दिला हुआ ई नाट सेल निकाले खातिर। आइए ना, तो हमेशा इतना याद रखेंगे कि कोई भी रिएक्शन होता है हमेशा 2 लेते हैं, डेनियल सेल के लिए एकदम फिक्स है 2 होगा, डेनियल सेल के लिए एकदम फिक्स है 2 होगा, एन का मान अधिकतर 2, तो 2 आप एन के जगह भर देंगे। आप पी का मान कितना भरेंगे, पी का मान इधर आइए रिएक्शन में देखिएगा, ये प्रोडक्ट है 0.01 भरेंगे आप, 0.01 समझिए, हम जानते हैं मुश्किल है लेकिन मान लो कि जब पढ़ा जाएगा तभी आपका होगा। आर का मान 0.1 भरेंगे तो 0.1 आप भरेंगे। चलो एक काम आराम से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा इसको। चलो ई सेल होगा लिखो बराबर, चलो आगे बढ़ाते रहेंगे, ई नाट सेल का मान क्या निकली ई, तो समझ जाओ ई जन अपचयन बा वहीं से ई ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण घटा देंगे माइनस, अरे घटा दिल बा खाली ई सेल के जगह बेहतर लिखा बा माइनस 0.0591 अब बाटा में यन का मान क्या था ना 2, यन का मान 2 लाग, तो सुना ध्यान से पी का मान कितना दे है देवा 0.01 बटा में एकदम ध्यान से समझ एकदम ध्यान से। आ हेजा जान बानो एक और बात बा, हेजा लिखाई नो सुना पहले ध्यान से, तो हेजा का लिखाई अथी अभिकारक के लिखा था ना, तो क्या दिलवा 0.1, लेकिन इसके ऊपर 2 लिखेंगे हम लोग, लेकिन इसके ऊपर क्या लिखेंगे 2। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है बाबू, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 है, जितना ऊपर प्लस का नहीं, जितना माने संतुलित करने के लिए गुणा करेंगे ना उतना स्क्वायर हो जाता है, उतना स्क्वायर हो जाता है, उतना क्या होता है स्क्वायर हो जाता है। अब क्या करना है देखो,
इधर आदि आगे बढ़ा देते हैं। ई अपचयन का मान देख रहे हो, अपचयन किसमें हुआ है, अपचयन किसमें हुआ है, अपचयन हो रहा है सिल्वर में, देख रहे हैं ना, अपचयन हो रहा है सिल्वर में, अपचयन किसमें हुआ है सिल्वर में, और सिल्वर का मान कितना दिया है, हैदरबा 0.80 माइनस, ऑक्सीकरण किसमें हुआ है इसमें माइनस 0.25, आई सुनो माइनस हाई दूसरे भाग देवे में तो 0.0, 2×4 9×18 लगभग 11×5×10 में कर दीजिए, लाग लिख लीजिएगा, खूब ध्यान से समझ के लाग लिख लीजिएगा, हाँ 0.01 ये बताओ, लेकिन जब दो वाली घुड़ा के रूप में लिखा है 0.1 गुणे 0.1 तक आ जाए 0.01 इतना आ गया ना, तो ये लिखा जाए 0.01। आज सेम बात तो कट गई, कहाँ हो गई कट गई, तो इस सेल बराबर तुम्हारे पास कहाँ आया, कहाँ आया, ये आया 0.80 आई माइनस में प्लस 0.25 और माइनस 0.0295 लाग एक, लागे का मान, लागे का मान, अरे पलंगे आइए पीएस सोने नहीं दिया, लागे का मान एक होला, लागे का मान एक, बड़ा चौपट तुम लोग भाई, लाख 10 का मान एक, लागे का मान 0 होता है, लाख 10 का मान एक, लाख 100 का मान 2, यहीं बढ़ते चलो, लागे 1000 का 3, लाख 10000 का 4, लागे 1 लाख के 5, चलिए लागे का मान 0, तो जब लागे एक का मान 0 तो जोड़ो, हाई 5 और यार 10 के 0 आ हाई माइनस 0.0295 लागे का मान 0 तो टोटल 0 हो जाएगा, ये वाला खाली आ जाएगा 1.05 वोल्ट, यही हमारा कहा जाएगा आंसर आगे। एक बोला समझो सवाल को, हमने क्या किया, सवाल में पूरा डाटा दिया था तो हमने पहले रिएक्शन लिखा बाबू, और डायरेक्टली ए जी का पहले ए जी के ऊपर 2 ए जी है और एक आपके निकले तो निकले को लिखा जाए आई 2 को प्लस होता है 2 को प्लस दिया जाए और तब ए जी प्लस वाला पहले आ ए जी बाद में और संतुलित करे खाली 2 से गुणा हो गया, ए जी का मान दिया है एन आई का मान दिया है, तो आप सीधे ही नैना समीकरण का यूज करेंगे, ई अपचयन ई ऑक्सीकरण बाकी सब ईमान रख करके हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाए, समझिए ठीक है, हाँ चलिए नोट कर लीजिए इसको।